मध्य प्रदेश के दतिया में अवधेश नायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जन संवाद यात्रा सिरोल रिछरा बुधेड़ा वरोय गढ़ा में जन संवाद यात्रा लेकर कांग्रेस नेता अवधेश नायक पहुंचे। दतिया अवधेश नायक जन संवाद यात्रा लेकर आज सीधे जनता के बीच पहुंचे और वहां उपस्थित ग्रामीणों के मध्य चौपाल लगाकर कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि तानाशाही व आतंक से मुक्ति दिलाई जाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रत्येक तानाशाह का अंत दुर्गति के साथ होता है। जन संपर्क के बाद लगाए गए जन चौपाल को ब्लॉक कांग्रेस बड़ोनी के अध्यक्ष आनंद चौबीस सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया। जन जन यात्रा निकाल रहे हो, जनता के काफी सालों से बीच में जा रहे हो, तो ये क्या उद्देश्य है इसका? जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यह जनसंवाद यात्रा 26 तारीख से प्रारंभ हुई है और जनसंवाद यात्रा गांव-गांव में जा रही है। 257 पोलिंग स्टेशन है दतिया विधानसभा में, सब जगह जाएगी। इसका मूल उद्देश्य जो है वो दतिया में जो दमन अत्याचार आतंक डर भय का वातावरण स्थानीय विधायक और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फैला रखा है, उन सब की समाप्ति करना और जिस तरह से उन्होंने ज़मीनें हड़पी हैं उनको वापस दिलाना, इस सबके खिलाफ एक संकनाद है यह जनसंघर्ष यात्रा। और कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बनाने का, कांग्रेस के पक्ष में लोग मतदान करें, यह जनजागरण करने की जनसंवाद यात्रा है। कल आपका कौन कौन गांव में भ्रमण रहेगा? कल हमारा जो है नया गांव है ग्वालियर रोड पे, वहीं पर जखोरिया है, उसके आगे गली है, गली के आगे पहाड़ी है और उसके बाद डोंगलपुर है। इस तरीके से 5 गांवों का हमारा कल जनसंघर्ष यात्रा का कार्यक्रम है। जन चौपाल होगी, जन संपर्क होगा और पोल खोल अभियान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृहमंत्री का चलेगा।